दोस्तों, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे कि हम बहुत दिन बाद अब ब्लॉग ये डाल रहे हैं, ऐसा था कि हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, थोड़ी दिक्कत थी। अब हम गए मेरठ आपके लिए, वहाँ पर जाके ब्लॉग बनाया। अब हम इस ब्लॉग में बताना है कि हमें कैसा एक्सपीरियंस मिला वहाँ जाके, क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में हम आपको देंगे। और हम आपको बताएंगे कि मतलब कैसा है मेरठ शहर और क्या है वहाँ की खूबियाँ या क्या कमियाँ हैं। ये हम गए थे आपका मतलब मंगल को, इसी वीक में मंगल को, यानी कि समथिंग आपकी आज 24 तारीख है, तो हम गए थे 17 तारीख की शाम को। यहाँ से हम बैठे थे दिल्ली में हम 5 घंटे रुके, 10 बजे से 3 बजे तक। फिर 3 बजे से हम ट्रेन दोबारा पकड़ी और 5:30 बजे मेरठ उतरे थे। और फिर उसके बाद से हमने वहाँ पर ब्लॉग बनाया है 7 बजे से हमने ब्लॉग बनाना शुरू किया, और जो हमने 10 बजे तक बनाया। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा काम हुआ था वहाँ पर, वो काम वाम निपटा कर हम सीधे वापस ट्रेन पकड़ के दिल्ली आए, दिल्ली से वापस आगरा। तो आज हम इस ब्लॉग को डाल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ब्लॉग पसंद आए, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ही ब्लॉग। फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं मेरठ, और हम यहाँ मतलब रात को बैठे थे दिल्ली से, पहले दिल्ली उतरे फिर दिल्ली से यहाँ। बट यहाँ सुबह से हम चल हम सुबह से चल रहे हैं, सुबह से तकरीबन हम 10 किलोमीटर चल लिए, पर यहाँ कोई दिख नहीं रहा यार। देखो शॉप बंद है, ये यहाँ का सदर बाज़ार है, अपने आगरा का सदर बाज़ार हमने उस दिन आपको वीडियो में दिखाया था। और इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं, हम 6 बजे से पैदल चल रहे हैं, 10 किलोमीटर तो करीब चल रहे होंगे, पर यहाँ हमें एक भी दुकान खुली हुई नहीं दिखी। इसी वजह से हमें पीछे केले वाले से केले खाने पड़े, नाश्ता नहीं मिला। खैर कोई नहीं, उनसे पूछने पर मालूम पड़ा कि अभी बाज़ार खुलेगा, और ये हमारा सदर मीन्स मेरठ का सदर बाज़ार है, आगरा का नहीं है यार, मेरठ का है। चलो सीधे ही चलते हैं, देखते हैं सीधे क्या है। पुलिस ये आगे पुलिस है, तो वैसे तो हम यहाँ किसी काम से आए थे, बट अब हम मजे कर रहे आई मीन मज़े नहीं कर रहे हैं, जब तक वो हमारा टाइम होगा तब तक हम ब्लॉग बना रहे हैं, फिर देखते हैं एडिट करके अपलोड कर देंगे। और एक बात कहनी पड़ेगी यहाँ की कि यार ठंड बहुत है, मतलब मींस आगरा से ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, वैसी ठंड नहीं यार जो कपकपाते वैसी नहीं, पर है ठंड है आगरा से तो ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 मिनट से मैं बके जा रहा हूँ, मींस चले जा रहा हूँ यार, मुझे एक भी शॉप अभी भी खुली हुई नहीं दिखी यार। अगर होगा तो मैं आपको नहीं यार, जब तो खुल जाएगा आप खुलवा बता दिखाएंगे क्या, जब मेरठ वाले भी देखेंगे हमारे इस ब्लॉग को, उनका भी तो बाजार है यार। हाँ किसी के दूसरे शहर की बदनामी कर रहे हो, हाँ गंदे इंसान हो। दोस्तों मैं फिर से बहुत दूर आ गए हैं हम चलते हुए हम, और ये सामने सनातन धर्म इंटर कॉलेज, माशाल्लाह ये भी बंद है,
मतलब सुबह कॉलेज तो खुलता है यार। मेरा दोस्त बोल रहा है हम गलत टाइम पे आ गए। हर चीज बंद है, देखो उधर पूरा बाजार बंद। भाई कौन सा शहर है यार, कब खुलेगा? कब खुलेगा ये बाजार? इंशाल्लाह जरूर। इसमें तो वो गाना याद आ रहा है, यहाँ तो सब शांति शांति है, यहाँ तो बस शांति शांति है। ओ अबे चलो चलो चलो, स्कूल खुला हुआ है, बच्चे जा रहे हैं, दिख रहे होंगे। हाँ कोई साइकिल से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, और हम कहाँ से? मेरठ सिटी है ना, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पैदल चल के आए। फ्रेंड्स चलते चलते एक और बेहतरीन चीज़ मिली है, आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस। जब भी आपको आर्मी में भर्ती करनी हो आर्मी कार्यालय में, तो यहाँ आइएगा। ये चीज़ यहाँ की बेहतरीन है, बाकी तो वही सन्नाटे। वो डायलॉग है ना सलमान खान का, देख इधर, ना आदमी ना आदमी की जात। नहीं यार आदमी तो है, ना दुकान की जात। चलो तो फ्रेंड्स हम चलते चलते चलो एक बढ़िया जगह तो पहुंच चुके हैं, और जो खुली हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक, ये संग्रहालय है। चलो अंदर पूछते हैं कि ये वीडियो बना सकते हैं यहाँ की या नहीं, अंदर का घूम सकते हैं या नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो फ्रेंड्स ये संग्रहालय भी बंद है। ये भी बंद है, और तो और ये 10:30 बजे के बाद खुलेगा, और यहाँ के हम वीडियो नहीं बना सकते। कैसी गजब बात है, तो साला यहाँ घूमने का क्या फायदा, क्या किस लिए आए हम यहाँ? रुक जा यार, कि चले जा रहा है। तो हम यहाँ के पछताए हैं, यहाँ हर चीज बंद है। ये डुबवाएगा साला मुझे, तू और कौन? समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। चलो जहाँ भी जा रहा है देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आगे हापुड़ रोड है, तो फ्रेंड्स आखिरकार एक होटल मिल गया पूरा। ये आगे आगे मेरा दोस्त जा रहा है जिसको अभी मैंने दिखाया था, आखिरकार एक मिल गया। देखते हैं यहाँ क्या है, क्या हिसाब है। ज़ूम इन करो, चलो हैं। अबे ये भी बंद है, वो खुल रहा है अभी। अच्छा ये बिरयानी यहाँ बिक रही है, भाई शहजाद। चलो दोनों में से कहीं भी कुछ तो मिलेगा, चलो देखते हैं। एक होटल है मंदिर यहाँ, अब हम कुछ खाते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है। हमारा आ चुका है सिस्टम, तो चलो पहले खाते हैं फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब तक आपने देखा था कि हर एक दुकान बंद थी, ये इधर की कुछ दुकानें खुली हैं, यहाँ पर हमने अभी खाना खाया है। तो आप भी जब आएँ तो इसी एरिया में आ जाएँ, कुछ भी नाश्ता वाश्ता करना हो तो चाचा के पास, चाचा से होटल का नाम पूछ लेते हैं। चाचा होटल का नाम क्या है आपके? मुश्ताक होटल, ठीक है। तो इसी नाम को पूछते हुए आप आ जाएँ इन चाचा के पास, देख लें इनको ढंग से, ठीक है फ्रेंड्स।
तो चलिए आगे घुमाते हैं आपको। तो ये हमें एक और बेहतरीन सी दारुल इल्म यानी कि यूनिवर्सिटी दिखाई दी है, इसका नाम है फैज़ आम डिग्री कॉलेज। वहाँ भी लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, उर्दू में का नहीं, वो तो बनवाने वाले का नाम है, उर्दू में का ही नहीं है। खैर बाकी ये काफ़ी बड़ी है, इस पर एक आध नोटिस भी लगा हुआ है, जो अगर मेरठ का हो उसके काम में आ जाएगा ये नोटिस, पढ़ लो यार, पढ़ने के बाद वीडियो लाइक कर देना शराफत से, इज्जत से। अरे मजाक कर रहा हूँ, पूरा मन मान लेना। तो गाइस अब ये जगह लग रही है कुछ जान पहचान, अपना आगरा में भी ऐसी जगह तो है, ऐसी भरी गुची पिची सी। तो हमें आखिरकार ऑटो करना पड़ा, हम ऑटो करके यहाँ तक आ गए हैं। अरे भाई क्यों चीख रहे हो यार, वीडियो ख़राब हो जाएगी। तो अब जैसा कि हमें मालूम पड़ा है हमारी मंजिल आगे है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और वो मंजिल भी आपको दिखाएंगे। तब तक आप नज़ारे देख लो यार, बंद दुकानों के लॉकडाउन लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार मैं लॉकडाउन के समय में आ गया। यही बताया था क्या? नहीं यार ये तो ग्राउंड है। देखते हैं आगे क्या है। वो और टाइम बताओ चाचा को, 8:30। ऐसे यार इस जगह के ऊपर मतलब हंसी आ रही है यार, और अपनी किस्मत पे रोना। आखिर क्यों? चलो शायद यही है अपनी मंजिल। ये सही पकड़े हैं, आधा मीटर रहा हुआ है, आप भी देखो बहुत बढ़िया। शायद यही आना था हमें, चलो पूछते हैं अंदर फिर देखते हैं। गाइस आगे यूपी बोर्ड कार्यालय मींस यूपी बोर्ड ऑफिस, जहाँ करेक्शन होते हैं कॉपीज़ वगैरह के, मार्कशीट के रीचेक होते हैं वगैरह, यहीं पे आगरा के जितने भी रिजल्ट वगैरह होते हैं सब यहीं पे बनते हैं। और सबसे बढ़िया बात, सबसे गजब बात, ये भी बंद है। अबे नहीं मतलब मारो मुझे। अबे सच में नहीं यार, मतलब हमारा नसीब खराब है क्या है, मीन्स हद है यार, जो जो चीज़ें देखी सब बंद, हद होती है। चलो खैर यहाँ का टाइम मिला है 10 बजे का, अभी टाइम हो रहा है 8:30, क्या कर रहे हैं घर चले, अब इंतजार ही करना पड़ेगा। सही बात, इंतजार इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। चलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारी मंजिल यही थी, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, बट वो बात अलग है, यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है, ये जगह भी बंद है। तो चलो यहीं पे इस ब्लॉक को कहते हैं ऑफ, हरियाली देख लो आप। चलो मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप उस ब्लॉग में लॉकडाउन नहीं लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए हमारा दोस्त
इतना परेशान हुआ है बेचारा के सो रहा है भाई। यही नहीं, हम दोनों ही परेशान हुए हैं, कल रात से सोए नहीं है यार। हमें पूरे कितने 24 घंटे से ऊपर हुए, 36 घंटे हुए जगे हुए, और इन 36 घंटों में हमने सफ़र भी किया है सिर्फ आपके लिए है। नहीं नहीं, आई मीन हमारे लिए जी, दोनों के लिए यार। आपसे बस यही आशा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें।